जब ओवैसी साहब ओथ लेने पार्लियामेंट में गए और उनको जय श्री राम के नारे लगाकर वो किया गया, वो आतंक नहीं था। अच्छा? आतंकी को अरे शुक्र मानिए जय श्री राम लगा रहे थे नारा, तब भी अल्लाह अकबर लगा के बम नहीं फोड़ दिया। जय श्री राम का नारा लगाना आतंक है, फिर बीच में टपके। नहीं नहीं, आपने क्या बोला? आपने बोला जय व्यूअर्स, रुकिए रुकिए, डिबेट को यही रोकता हूँ मैं बीच के अंदर। आपने बोला जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर, जय श्री राम का नारा लगाना आतंक था सदन के अंदर, अतिकुर रहमान, ये आपने क्यों बोला? जय श्री राम का जो पार्लियामेंट में नारा लगा उसका रद्द अमल आपने देखा मुस्कान के साथ हुआ, उसका रद्द अमल आपने देखा 100 मुसलमानों की लिंचिंग हुई जय श्री राम का नाम लेते हुए, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिंचिंग पर 300 मुसलमानों की लिंचिंग हुई है जय श्री राम का नारा लगाते हुए, कानून नहीं बनाएंगे, ये इनका आतंक है। समित पात्रा, ये इनका आतंक। चुप चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। जो पार्लियामेंट ठीक है, मतलब जय श्री राम का नारा आतंक है, ये इनका आतंक। मैं आपको कहता हूं किसी एयरपोर्ट के अंदर, किसी एयरपोर्ट पर भीड़ हो, वहां पर जय श्री राम का नारा लगाइए और अल्लाह अकबर का नारा लगाइए, पता लग जाएगा क्या फर्क है दोनों नारों के अंदर। समित पात्रा, हाँ तो इसी इसी नहीं, ये भारत के, भारत में छोड़िए, कहीं विदेश में भी कर लीजिए। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको कहता हूँ, ये काम, ये काम आप तुर्की में कर लीजिए, तुर्की में कर लीजिए, ये काम पोलराइजेशन और हिंदू कंसोलिडेशन कहलाता है। अच्छा ठीक है, समझ अब आपने बात को रखा ना, आपने बोला जय श्री राम का नारा जो है, मैंने बोला कि आप रियलिटी में टेस्ट कर लीजिए, आप मुंबई रहते हैं, कल मुंबई एयरपोर्ट पे जाइए और चिल्लाइए जाकर एयरपोर्ट पे अल्लाह अकबर और जय श्री राम दोनों चिल्लाइएगा, एक व्यक्ति जय श्री राम चलाए दूसरा अल्लाह अकबर चलाए, फर्क अपने आप पता लगेगा, प्रैक्टिकल करके देखिएगा जरूर। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए पांच।